एक बार की बात है कि एक जंगल में तीन भैंसें रहती थी। वो तीनों बहुत अच्छी मित्र थी और उनकी मित्रता के कारण ही कोई भी जानवर उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसी जंगल का एक राजा शेर उन तीनों भैंसों पर नजर रखता था। अरे, ये तीनों भैंसें बहुत ही मोटे और तंदुरुस्त है, इनका शिकार करके तो मेरा मजा ही आ जाएगा। शेर बस उन तीनों को अलग होने का इंतजार कर रहा था कि कब ये तीनों अलग हों और मैं इनका शिकार कर लूं। तब शेर अपने पास एक लोमड़ी को बुलाता है। लोमड़ी, मैंने तुम्हें यहाँ किसी काम के लिए बुलाया है। जी महाराज, बताइए क्या काम है। जंगल में जो वो तीन भैंसे हैं, उन्हें तुम्हें आपस में लड़ाकर अलग करना है, बस यही काम है। बस महाराज, इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, लेकिन महाराज मेरा हिस्सा कितना होगा? उनमें से एक तिहाई हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा, अब जाओ जल्दी से। बस फिर लोमड़ी एक भैंस के पास जाकर उसके कान भरने लगती है। सोनू भैंस, मैंने अभी उन दोनों भैंसों को एक शेर के पास खड़ा देखा। अच्छा, वो दोनों क्या कह रही थे? शेर ने उन दोनों को पकड़ लिया और शेर उन दोनों भैंसों को कुछ ही देर में मार डालेगा। इतना सुनकर सोनू भैंस उनकी मदद करने उनके पास जाती है। सोनू भैंस वहां जाकर देखती है कि वहां तो कोई नहीं था सिवाय शेर के। आओ आओ सोनू भैंस, पहले तुम्हारा ही नंबर है। अच्छा, तो ये उस लोमड़ी ने मुझसे झूठ बोला था। तभी शेर सोनू भैंस के ऊपर हमला कर देता है। वहीं से बाकी की दो भैंसे गुजर रही थी तो वो देखती हैं। अरे, ये क्या, शेर ने किसे पकड़ रखा है? अरे ये तो सोनू भैंस, जल्दी से आओ। तभी वहां दोनों भैंस आकर अपने सींगों से शेर को दूर फेंक कर मारती हैं। वो तीनों फिर से इकट्ठा, देख शेर वहां से डरकर भाग जाता है। तो बच्चों, पता चला आपको एकता में कितनी ताकत है? अगर आपस में मिलजुल कर रहें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझे? कुछ ही दिनों पहले बात है कि एक जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था। शेर जंगल का राजा होने के कारण सभी जानवरों का बड़ा ख्याल रखता था। एक दिन अचानक बहुत से जानवर बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। उनमें से कुछ जानवर तो मर चुके थे, बाकी के जानवर ये सब देख महाराजा शेर के पास जाते हैं। उनमें से भालू बोलता है, महाराज अभी जंगल में सभी जानवर सही सलामत थे, लेकिन अचानक बहुत से जानवर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और उनमें से कुछ जानवरों की तो जान भी चली गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहीं पास के एक गांव में दो आदमी खड़े बात कर रहे थे। अरे सोहन भाई, ये ना जाने कैसी बीमारी आई है, जो कोई भी इस बीमारी का शिकार होता है वो तो जान से ही चला जाता है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, अब तो बस जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है कि हमें अपने घर में रहकर सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना होगा, तभी हम इस बीमारी से अपनी जान बचा पाएंगे। वहीं पास में खड़ा खरगोश ये सब देख रहा था। खरगोश ये सुनते ही भागा भागा शेर के पास पहुंचा और शेर से बोला, महाराज अभी पास के गांव में जो लोग रहते हैं उनसे मैं एक बात सुनकर आया हूँ। यहाँ पर सभी जानवर इकट्ठे हैं, इसीलिए मैं सबको ये बता देता हूँ। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक जानलेवा बीमारी आ पहुँची है, जिस किसी को भी वो बीमारी होती है वो कुछ ही दिनों में मर जाता है। इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए अपने अपने घर में रहकर सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। मैंने जितना सुना आपको बता दिया महाराज। बहुत अच्छा किया खरगोश, हम सभी को भी यही करना होगा। कोई अपने घर से कुछ महीनों के लिए बाहर नहीं आएगा, सभी अपने अपने घर में रहकर सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हम इस बीमारी का सामना कर पाएंगे, समझे? फिर सभी ने शेर की बात मानी
और सभी जानवर अपने घर घर रहकर सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल करने लगे। सभी जानवर अपने अपने घर रह रहे थे, इसीलिए पूरा जंगल सुनसान पड़ा था। और फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद जानवर भोजन इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकलते थे। बीमारी पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। सभी ने इसका पालन किया और सही सलामत रहने लगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बिल्ली के गले में घंटी। एक सुंदरपुर छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक छोटे से घर में बहुत सारे चूहे रहते थे और वो सर्दियां आने पर पहले ही अपनी सर्दियों का सारा भोजन इकट्ठा कर लेते थे। वो सारे चूहे उसी घर में भोजन करते और रहते और मजे करते। उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। उधर दूसरी ओर एक बिल्ली ठंड से कांपती हुई आ रही थी। उसे उन चूहों का घर दिखाई दिया और उसी के अंदर वो चली गई। अंदर जाते ही उसे बहुत सारे चूहे दिखाई दिए। उनको देख बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। अरे ये क्या बात है, आज तो इस घर के साथ साथ मुझे भोजन भी मिल गया। अब मैं इनको खाकर अपनी भूख मिटा सकती हूँ। फिर बिल्ली चुपके से जाकर एक चूहे को मारकर खा जाती है। और फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो बिल्ली बहुत से चूहों को मारकर खा गई। अब इस बिल्ली से सारे चूहे दुखी आ गए थे। तब वो उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगे। तब एक चूहा, हम सभी अच्छे से रहते थे, इस बिल्ली ने आकर हमारा जीना हराम कर दिया है, हमें इसे कुछ भी करके यहाँ से भगाना होगा। तभी दूसरा चूहा बोलता है, सुनो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उस बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दे। इससे होगा ये कि वो बिल्ली जब भी हमारी ओर आएगी तो वो घंटी की आवाज भी आएगी, और जब घंटी की आवाज आएगी तो हम छिप जाएंगे। और इस तरह से बिल्ली को कुछ दिनों तक भोजन ना मिलने के कारण वो यहाँ से चली जाएगी। वाह भाई वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। फिर उन्होंने ऐसा ही किया कि जब बिल्ली सो रही थी तो उन्होंने आराम से जाकर उस बिल्ली के गले में घंटी बांध दी और वहां से भाग गए। कुछ देर बाद बिल्ली उठती है तो देखती है कि उसके गले में एक घंटी बंधी है। अरे ये घंटी कहाँ से आई है, चलो कोई नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलकर किसी चूहे को पकड़ती हूँ। फिर जैसे ही बिल्ली चूहों की ओर आ रही थी तो उन चूहों को घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। तब वो सभी जाकर अपने बिल में छिप गए और बिल्ली सारे कहीं चूहों को देखती है, लेकिन उसे चूहे कहीं नहीं मिलते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बिल्ली अब भोजन न मिलने के कारण बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वो वहां से भाग गई। और फिर चूहे अपने घर में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से चूहों ने अपनी होशियारी से अपनी जान बचा ली।